I love to go outside of the world. Not outside, but outside of the country. World outside means going to moon. गुड मॉर्निंग गाइस, आज की डेट है क्या है क्या है 28 जून, और मेरा हॉलीडे चल रहा है। मेरा दो काम पड़ गया, एक है मेरा स्कॉलरशिप के लिए। मैं ये कुर्सी से स्विच ओवर कर दिया SBMCM पर, तो वहाँ पर उसके लिए ज़रूरत होगा और दो डॉक्यूमेंट्स, अगेन वेरिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, वो तो हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ एक इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर, वो करना पड़ेगा। उसके पहले और दो चीज़ करना पड़ेगा, वो है मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा हूँ, एंड मेरे पापा का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर इमाम का, सारे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जितने इमाम हैं उन सब लोगों का विथ फ़ोन नंबर एड्रेस ये सब करना पड़ेगा। मेरा ऊपर काम दिया है, आई हैव टू डू। कोई नहीं, सैलेंगे थोड़ा करके, चप्पा चप करते हैं। तो गाइस, आई अप्लाइड दिस स्कॉलरशिप, ये देखो, अंडर ग्रेजुएट पीजी इंजीनियरिंग EITC अप्रूव्ड प्रोफेशनल कोर्स, 5,000 पर मंथ, दैट मीन्स 60,000 इन ईयर, समझा? दिस इज द हाईएस्ट एक्चुअली, और वही मैं कर रहा हूँ, तो आई एम सपोज टू गेट दिस अमाउंट। और ये हमारा मिला था जिस दिन हम स्टूडेंट के कार्ड में गया था ना, उस दिन पर ये मेरा कार्ड था। ये एक हमारे चीफ मिनिस्टर से लेटर दिया था, ये सारे है एक्चुअली। ये देखो क्या है भाई, कब जाऊंगा दुबई। भाई साहब, मैं करके रखा है, जस्ट देखो कुछ दिन बाद क्या होगा। आई वॉन्टेड टू बिकम पायलट, इसीलिए मैं करके रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो हुआ नहीं। ठीक है, पासपोर्ट तो काम में आ जाएगा। आई लव दिस, समटाइम्स आई ओपन एंड सी, बिकॉज आई लव टू गो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। नॉट आउटसाइड, बट आउटसाइड ऑफ द कंट्री। वर्ल्ड आउटसाइड मीन्स गोइंग टू मून। फाइनली सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है एक्सेल पर, अभी यहाँ पर पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा। 93 टोटल करना पड़ेगा यार। ऐसे दो पीछे देखा, कोई तो नहीं है। भाग गया। 47, सॉरी 48 हो गया, अभी 61 में हूँ। 93 है भाई साहब, अभी तक करना पड़ेगा यार। ओहो, यहाँ आके ख़त्म होगा, पता नहीं कब जाके ख़त्म होगा। ओ माय गॉड, टूरूला गाइस, ये देखो क्या आया है, गूगल एज, माइक्रोसॉफ्ट एज पर। मैंने व्हाट्सएप लॉगिन के लिए यहाँ पर आया था, देखो क्या। मतलब आपका मूड को थोड़ा रोमांटिक बना देता है। ओ भाई, क्या लिखा है, आफ्टर आलिया भट्ट रणवीर कपूर अनाउंस प्रेगनेंसी, ए कंडम बैंड एक्सटेंड्स फनीएस्ट विश टू द कपल, इट हैज ए चाना मेरा कनेक्ट। भाई लोगों तो यहाँ पर रिएक्ट भी कर रहा है। सब 4 घंटा पूरा कंटिन्यूअसली लैपटॉप के सामने टाइप कर रहा था, सारे लिस्ट फाइनली कंप्लीट हो गया है, वीडियो एडिट भी उसके बाद किया, तो मज़ा आ गया। और इतना टाइम कंटिन्यूअसली मैं लैपटॉप पर नहीं बैठते हूँ, पता नहीं जब ऑफिस लाइफ होगा कैसा होगा, आई डोंट नो। मतलब हैबिचुएटेड नहीं है, अच्छा नहीं लगता ये एक जगह ज़्यादा टाइम में, आई हेट, इसीलिए सीरियसली आई डोंट लाइक। आज सुबह से नॉर्थ बंगाल में इतना बारिश हो रहा है ना, तो पोपट हो गया नॉर्थ बंगाल बागडोगरा एयरपोर्ट पर। क्या ना, मैं रैंडमली फ्लाइट टेटर 24 ऐप ओपन किया और देख रहा था कि इस्लामपुर दक्षिण दिनाजपुर में है ना, जस्ट बिफोर एंटरिंग सिलीगुड़ी, हम लोग दार्जिलिंग गया था, हमको पता है वहाँ पर ट्रेन रुक गए थे, तो वहाँ पर देख रहा हूँ कि सारे फ्लाइट ना होल्ड कर रहा है ट्रैफिक में, क्यों ऐसा? और
एक तो भाई बहरमपुर से यू टर्न मार लिया, जो कि कोलकाता से सिलीगुड़ी जा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, इसीलिए लैंड ही कोई एयरक्राफ्ट नहीं कर पा रहा है। इतना तगड़ा बारिश, मतलब रनवे के ऊपर पूरा ओटायर एंड ओटायर, ऐसा न्यूज़ में बाद में सुना है, लेकिन मैं इंस्टेंट खबर मिला है। तो 10 ऐसे एयरक्राफ्ट जो होल्ड कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लैंड नहीं कर पाया, रिटर्न होके कोलकाता के लैंड हुआ, क्योंकि पायलट का एक रूल्स होता है, मतलब एविएशन का रूल्स होता है, पायलट का नहीं, कि होल्ड करने का पोजीशन दोनों टू टाइप का होता है, एक है पूरा सर्कल राउंड, हमारा जैसा तो सिग्नल नहीं है भाई, अगर हमारा ऑन रोड ट्रैफिक मिलता है तो कि हम रुक जाते हैं, फ्लाइट तो नहीं रुकेगा, फ्लाइट एक जगह पर घूमते रहते हैं, दो टाइप का होता है, और एक टाइप ऐसा सीधा जाएगा, दोबारा यू टर्न मार के फिर सीधा जाएगा, दोबारा यू टर्न, ऐसा होल्ड करते करते जब ऑलमोस्ट फ्यूल खत्म हो जाएगा और बोल दिया जाएगा कि यू कांट लैंड, तो सब कोलकाता दोबारा रिटर्न आ गया। 10 ऐसे फ्लाइट, मैं सोच रहा हूँ दोज हुआर द पैसेंजर माइट बी दे हैव इमरजेंसी, बट स्टिल देयर लाइफ इज मोर प्रीशियस देन इमरजेंसी, ऐसा ही तो होता है, नॉर्मल थिंग है ना। यो, हम एक्चुअली कोई एक जगह पर जाएंगे, आज है 29 जुलाई ना, तो एक्चुअली आज हमारा फ्रेंड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, मेरा तो पहले हो गया 24 में, 24 25 कुछ भी जो भी हो, तो उसके लिए हम इंतज़ार कर रहा था, अभी हम कहीं पर घूमने जाएंगे, देखते हैं प्लान बनाते हैं भाई साहब, उसके बाद निकलूँगा और मस्त व्लॉग आ जाएंगे। सो आपसे दिल से थैंक यू इतने तक देखने के लिए, बाय बाय, हैव ए गुड डे। बाय बाय टाटा। ओके जानो तू दिन घूमना, धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम।